दोस्तों आज बनाएंगे महाशिवरात्रि स्पेशल कच्चे आलू से लच्छेदार नमकीन। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम टेस्टी और कुरकुरा। इसे ना ही उबालना और ना ही सुखाना, एकदम इंस्टेंट बनेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कच्चे आलू के लच्छेदार नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर 4 पीस आलू लेना है, और यहाँ पर बड़े साइज में मीडियम साइज के आलू लिए हैं। और आलू को आप चाहें तो पहले से ही धो लें, यहाँ पर पहले छील लेते हैं उसके बाद इसे धोएंगे। तो यहाँ पर आलू को छील लिए हैं, और इसे जब छीलेंगे तो अच्छी तरह से छीलेंगे, इसका छिलका इसमें नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आलू को छील लिए हैं, इसी तरह से सभी को छील कर धो लेना है। तो यहाँ पर आलू को धो लिए हैं, अब एक बड़े से बर्तन में लेंगे पानी, और यहाँ पर ग्रेटेड है, तो ये बड़े छेद वाले भी हैं, छोटे छेद वाले भी हैं। तो चाहे तो छोटे छेद वाले से भी, बड़े छेद वाले से भी, आप किसी से भी इसे कद्दूकस कर सकते हैं। तो आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे, और ये देखिए एकदम पतले पतले साइज में कट गए हैं। तो सभी को काट लेने के बाद इसे पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर सभी को काट कर 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से इसे धो लिए हैं, और एकदम देखिए एकदम फ्रेश हो गए हैं और लच्छेदार। तो अब इसे पानी से निकाल लेना है। तो इन सभी को इस तरह से हाथों में लेकर, और इसे दोनों हाथों से इस तरह से इसे हल्के से दाब कर इसमें जितना भी पानी रहेगा उतना सभी को निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से पानी निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। सभी ग्रेटेड आलू को पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक कपड़ा लेना है, और यहाँ पर कपड़े पे कद्दूकस किए हुए आलू को डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए सभी को पानी से निकाल लिए थे, तो इसमें पानी से निकालने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। तो परफेक्ट तरीके से अगर आलू के लच्छेदार नमकीन बनाने हैं तो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कपड़े पे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से डालेंगे, और इसे ये देखिए इस तरह से कपड़े से हल्के हल्के दबाकर पोंछ लेंगे, या फिर इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दें। तो यहाँ पर देखिए इसे पंखे के नीचे रख दिए थे, तो ये अच्छी तरह से सूख गए हैं और एकदम फ्रेश हो गए हैं, और एकदम इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो इन तरीकों को अपनाएंगे तो आलू के लच्छेदार नमकीन हर बार घर में एकदम परफेक्ट बनेंगे। और इसमें आप चाहे तो हल्का सा कलर भी डाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा कलर करने के लिए आधा चम्मच डालते हैं हल्दी का पाउडर। अगर आप व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिना हल्दी के भी बना सकते हैं, बिना कलर के भी बना सकते हैं। और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से या फिर कलर डालने से ये फ्राई होने के बाद थोड़ा सा ये खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर तेल को गर्म करेंगे, तो एक कढ़ाई में 400 ग्राम के लगभग तेल लेना है, और तेल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, और इसमें थोड़े थोड़े कटे हुए आलू के लच्छे डालने हैं। और ये देखिए एक बार में ज़्यादा लच्छे नहीं डालेंगे, और इसे चलाते रहेंगे, ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो एकदम कुरकुरे बनेंगे, तो इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसका कलर हल्का सा सुनहरा कलर होगा तब इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए जब डाले थे सारे लच्छे को तो कितना सारा लग रहा था, और ये फ्राई होने के बाद ये कम लग रहा है। तो ये देखिए हल्का सा सुनहरा कलर होने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में डालेंगे मूँगफली। मूँगफली डालने से पहले तेल को हल्का सा गर्म करेंगे, और एक झंझरे में 100 ग्राम के लगभग मूंगफली लेना है, और तेल में डालकर इसे भी सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। मूंगफली बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सारे आलू के लच्छे को फ्राई कर लिए हैं, और एकदम देखिए करारे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब इसमें डालेंगे भुने हुए मूँगफली, और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालते हैं नमक। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है, आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो व्रत में अगर चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें, और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और एकदम कुरकुरे आलू से लच्छेदार
नमकीन तैयार हैं जो बहुत ही टेस्टी और एकदम कुरकुरा लगता है खाने में। तो ये देखिए तैयार है। तो इस तरीके से आप महाशिवरात्रि में घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार है आलू से बने हुए एकदम इंस्टेंट, ना इसे सुखाना ना उबालना, एकदम आसान से बन जाते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और एकदम टेस्टी कुरकुरे आलू से लच्छेदार नमकीन का मज़ा लें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।